और गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका। एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे प्रॉपर वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है। चैट बॉक्स में कोई बताए कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। ओके, आवाज एकदम क्लियर है। तो आज का जो दिन है बहुत खास है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि आज जो है शिक्षक दिवस है। क्या है? शिक्षक दिवस है। हम सब अध्यापक बनने की राह में ही हैं और अध्यापक पूरा जीवन सीखता है। जिन महानायक महान भाव के जन्मदिन के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो कहते थे कि अध्यापक पूरा जीवन विद्यार्थी होता है, पूरा जीवन सीखता है। तो कभी अध्यापक परिपूर्ण नहीं होता है, वो पूरा जीवन विद्यार्थी ही रहता है। आप सभी लोग सरकारी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए विशेष है कि आप इस दिन में एक अपने मन में संकल्प लें कि आने वाले समय में अपने मेहनत को आप 2 से 4 गुना बढ़ा करके आने वाले दिनों में सरकारी अध्यापक बन जाएंगे, ठीक है ना? तो यही सबको शुभकामनाएं हैं, सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं सनातन मान्यताओं को मानने वाला हूँ, तो उसमें कहा गया है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु का जो पदवी दिया गया है सनातन मान्यताओं में, वो देवताओं से भी ऊपर है। आप देखते होंगे रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर सा जो है दृष्टांत आता है। राम जो खुद ईश्वर है और बेटे किसके हैं? दशरथ के। वो कहाँ जाते हैं? गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। आज जिसके पास 100-200 रुपए भी बच रहा है ना, वो ट्यूशन लगा देता है, मास्टर साहब आएंगे घर पर पढ़ाएंगे। राजा दशरथ जो इतने बड़े राजा थे, वो भी तो ट्यूशन लगा सकते थे। गुरु जी को बुलाओ कि आए, वशिष्ठ जी को बुलाओ कि आए और पढ़ाएं इसको। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी जो सनातन मान्यताएं, उसमें गुरु की जो भूमिका है, जो गुरु का पद है, वो इतना ऊपर है कि राम खुद अपना राजमहल छोड़ करके उनके स्थान पर पढ़ने जाते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। तो ये जो है गुरु का स्थान है हमारे भारतीय संस्कृति में। आप सब लोग भी भविष्य में अध्यापक बनेंगे, और अध्यापक का जो एक उद्देश्य है वो आर्थिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ आर्थिक नहीं होना चाहिए। आर्थिक भी है, क्योंकि जब तक कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, लेकिन सिर्फ आर्थिक नहीं होना चाहिए। अध्यापक का उद्देश्य अंधकार को दूर करना। कौन सा अंधकार? जो इंसान के मन के अंदर है, जो उसके चित्त के भीतर है, उसको दूर करना, और किससे? ज्ञान के प्रकाश से। तो गुरु का जो मुख्य काम है वो यही होता है। आप सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह 5 सितंबर को। कब? भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का बर्थडे होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, और अध्यापक के तौर पर पूरे भारत में उनकी ख्याति थी। और उन्हीं के कार्यकाल में 1962 में लोगों ने उनसे कहा कि इस दिन को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और वही रिवायत आगे चल करके भारत के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आप सबकी तमाम शुभकामनाएं आए हैं, आ रही हैं, और पहले भी आ चुकी हैं, बहुत सारी व्हाट्सएप मैसेज और हर तरीके से। ये देख करके लगता है कि आज भी हम उस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, जो परंपरा सदियों से चली आई है, जो भगवान राम से चली आई है, जो भगवान कृष्ण से चली आई है। भगवान श्री कृष्ण गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ने जाते हैं, तो ये परंपरा कोई नई नहीं है। हमारे मन में जो गुरु का आदर है, हमारे पुरखों से है, और वर्तमान में भी ये है, और आगे भी इसको कंटिन्यू करना है।
बिल्कुल, आप सभी को शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर आपका हम पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं और आप मुझे अपना फोटो भेज दीजिए। तो मैंने कहा है कि जैसे क्लास खत्म हो जाएगी तो उनको फोटो भेज दिया जाएगा। अर्पिता मौर्य जी खुश रहिए। श्यामपाल जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु जो आपको देता है उसका जो है प्रतिफल तभी निकलता है जब आप उसको आगे कन्वे करें। एक कला अध्यापक बन करके जब आप जाएं तो बच्चों को कला के बारे में वो सारी चीज़ें बताएं जिनकी आवश्यकता है। जैसे अभी मैं देखता हूं कि सिर्फ इस उद्देश्य से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसा उद्देश्य मत रखना कभी। जाना तो कला को आगे बढ़ाना, ये जो आप सीख रहे हो टेम्परा फलाना ढिमका दुनिया भर की चीज़ें हैं इसको आगे जा करके स्टूडेंट को सिखाना कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारा गौरवशाली जो इतिहास रहा है चित्रकला का, मूर्ति कला का, वो आगे बताना उनको कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे कला मनीषी हुए हैं जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में हुई है। राजा रवि वर्मा से लेकर के सुधीर रंजन खास्तगी, नंदलाल बोस, आसित कुमार हालदार, इन लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी ख्याति अर्जित की है। हेमलता यादव जी कह रही हैं कि सर मेरा नाम ले लीजिए। बिल्कुल, आपका नाम मैंने ले लिया। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। करुणा प्रजापति जी बिल्कुल, आप सबका हृदय से आभार। जिस प्रकार का स्नेह और सम्मान आप लोगों ने दिया है मैं उसके लिए द्रवित हूँ और आप सबका आभारी हूँ। ये जो पूरी यात्रा मेरी चल रही इसमें सबसे बड़े सहयोगी के रूप में आप सभी का साथ मुझे लगातार मिलता रहा है। आप ही हमारा हौसला है और जब आप लोग पूरा सहयोग देते हैं तभी ये कारवां आगे बढ़ पाता है। तो हमारे हिम्मत और हमारे कारवां के सबसे बड़े साथी आप सभी लोग हैं। मैं इसीलिए साथी शब्द का इस्तेमाल करता हूं, शिष्य बेटा स्टूडेंट ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बिल्कुल, क्लास अब स्टार्ट हो गई। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे सुधीर रंजन खास्तगीर को। एक बहुत महान कला शिक्षक ये भी थे और आज सौभाग्य देखिए कि शिक्षक दिवस के दिन ही इन पर चर्चा भी होने जा रहा है। तो सुधीर रंजन खास्तगीर एक महान कला शिक्षक, महान कला मनीषी थे। तो आज की जो चर्चा है वो उन्हीं पर होगी, ठीक है ना। आज की जो चर्चा है वो उन्हीं पर होगी। आज मैंने किसी से लाइक करने को नहीं कहा, किसी से शेयर करने को नहीं कहा, तो आप लोगों ने किया भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कि मात्र 147-148 लोगों ने लाइक किया है। कोई बात नहीं, कर दीजिएगा आप लोग। ये जो लाइक और शेयर है ना ये मुझे बड़ा प्रसन्नता देते हैं। इसको देख करके मुझे आनंद आता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। चलो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर एक है साथियों, सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कहाँ हुआ था। सवाल नंबर एक है सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कहाँ हुआ था। कलकत्ता में, चिटगांव में, जोरासांको में या मुंगेर में। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कहाँ हुआ था। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कहाँ हुआ था। सवाल नंबर एक बोर्ड पर है, आप लोग फटाफट इसका आंसर करिए फिर मैं व्याख्या देता हूँ। सुधीर रंजन
खास्तगीर का जन्म कहाँ हुआ था? सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कहाँ हुआ था? अधिकतर लोगों के आंसर सही आ रहे हैं और ये देख करके मुझे अच्छा भी लगता है जब आप लोग सही आंसर करते हैं। तो सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? चिटगांव में हुआ था। कहाँ पर? चिटगांव में हुआ था, 1907 ईस्वी में। चिटगांव वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है। किसका? बांग्लादेश का हिस्सा है। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो वो इंडिया यानी कि भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1907 में इनका जन्म हुआ, कहाँ पर? चिटगांव में। और वर्तमान में जो चिटगांव है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। किसका? बांग्लादेश का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, चिटगांव। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कहाँ हुआ? 1907 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ। और इनकी मृत्यु अगर पूछे साथियों, इनकी मृत्यु पूछे तो इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। तो इनकी जो यात्रा थी 1907 में इनकी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई और 1974 में जाकर के गाड़ी रुक गई। तो ये इनकी जीवन यात्रा रही है। हरिओम त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मैं अक्सर तुक्का मारता हूं और सही निकल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर थे, सुधीर रंजन खास्तगीर थे चित्रकार, मूर्तिकार, मूर्तिकार फिर चित्रकार, या चित्रकार फिर मूर्तिकार। तो कुल जमा बात ये आपको बताना है कि सुधीर रंजन खास्तगीर क्या थे और उनमें किसके गुण ज्यादा थे, मूर्तिकार के कि चित्रकार के, या केवल चित्रकार के या मूर्तिकार के। आप सबका मैं आंसर देखना चाहता हूं और आंसर देखने के बाद में मैं अपनी व्याख्या दूंगा। बिल्कुल, मृत्यु 1974 में हुआ था। हाँ ठीक है, वेरी गुड, अधिकतर लोग सही आंसर कर रहे हैं। तो पहली बात साथियों, सुधीर रंजन खास्तगीर जो हैं ये चित्रकार, चित्रकार भी थे और इसके साथ साथ ये मूर्तिकार भी थे। क्या थे? मूर्तिकार भी थे और ये इन दोनों विधाओं में पारंगत थे। लेकिन इनके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये पहले मूर्तिकार फिर चित्रकार थे, यानी कि इनमें जो मूर्तिकला का गुण था वो चित्रकला से ज्यादा था, यानी कि मूर्ति कला की तरफ इनका जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइंड ज्यादा थे। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुधीर रंजन खास्तगीर पहले मूर्तिकार थे और उसके बाद में चित्रकार थे, ठीक है ना। इन्होंने कई मूर्तियां बनाई हैं, जैसे माँ भिक्षुड़ी, जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने बनाया, उनका धड़ है वो बनाया, सरदार पटेल का धड़ इन्होंने बनाया है। तो इन्होंने मूर्तियों में बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने कांसे में ढलाई किया, इन्होंने सीमेंट और जो है उसमें ढलाई किया, तो अलग अलग माध्यमों में इन्होंने ढलाई किया है और चित्र भी इन्होंने खूब बनाए हैं। आगे बढ़ते साथी, सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? शांति निकेतन से, शांति निकेतन से, श्री राम आर्ट कॉलेज से, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से, या लखनऊ आर्ट कॉलेज से? सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया? बिल्कुल सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा, शांति निकेतन। शांति निकेतन में पढ़ने गए थे 1925 से लेकर के 1929 तक। 1925 से लेकर के 1929 तक इन्होंने शांति निकेतन में, शांति निकेतन में कला शिक्षा ग्रहण किया। और साथियों याद होगा एट द टाइम यानी कि इस समय शांति निकेतन के निदेशक या अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? नंदलाल बोस। कौन हुआ करते थे? नंदलाल बोस हुआ करते थे, नंदलाल बोस।
नंदलाल बोस जो है शांति निकेतन के उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्हीं के सानिध्य में इन्होंने अपना कला शिक्षा ग्रहण किया। इनके जो सहपाठी लोग हैं वो भी बड़े विद्वान थे, तो इनको जो है कई बड़े विद्वानों का सहपाठ मिला, इसीलिए ये और भी ज़्यादा निखरे। जैसे राम किंकर बैज मूर्तिकला के बहुत बड़े महान पुरोधा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वो इनके बैचमेट ही थे। तो नंदलाल बोस जो है उस वक्त क्या थे, वहाँ के अध्यक्ष थे, और शांति निकेतन में इन्होंने 1925 से लेकर के 1929 तक क्या किया, शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है ना। इस दौरान वो अवनींद्रनाथ टैगोर अवनी बाबू के भी सानिध्य में रहे, अवनी बाबू के सानिध्य में भी वो रहे। तो कई बार ये भी पूछता है कि क्या वो अवनी बाबू के शिष्य थे कि नहीं थे, तो अगर ऑफिशियली कहें तो वो नंदलाल बोस के शिष्य थे, लेकिन अवनी बाबू के सानिध्य में भी वो रहते थे। अवनी बाबू के ही निर्देश पर उन्होंने भारत के अलग अलग कला स्थलों का दौरा किया, चाहे वो अजंता हो, एलोरा हो, खजुराहो हो, या बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं उनका उन्होंने दौरा किया, चित्रों को समझा, अलग अलग शैलियों को समझा, अलग अलग मूर्तियों को समझा, और वो जो है उनके जीवन में बड़ा बदलाव आगे लेकर के आई, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, शांति निकेतन। तो सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया, शांति निकेतन से ग्रहण किया, 1925 से लेकर के 1929 तक यहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, सुधीर रंजन खास्तगीर के कला गुरु थे, सुधीर रंजन खास्तगीर के कला गुरु थे नंदलाल बोस, एमएफ हुसैन, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र डे। तो ये बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने डिस्कस किया है कि सुधीर रंजन खास्तगीर ने किसके सानिध्य में पढ़ाई किया, नंदलाल बोस के सानिध्य में इन्होंने पढ़ाई किया। नंदलाल बोस के बारे में आप जानते हैं, नव बंगाल शैली के क्या हैं, नव बंगाल शैली के ये जन्मदाता हैं, और इनके बारे में जो कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या हैं, मुंगेर में इनका जन्म हुआ था, संविधान के मूल प्रति को इन्होंने क्या किया था, सज्जित किया था, संविधान के मूल प्रति को सज्जित किया था। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे इन्होंने 22 चित्र उसमें बनाए थे, और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में ग्रामीण दृश्य को इन्होंने चित्रित किया था, मास्टर मोसाई के नाम से जाने जाते हैं। तो कई सारी जानकारियां उनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, तो यहां पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सुधीर रंजन खास्तगीर के कला गुरु कौन थे, नंदलाल बोस इनके कला गुरु हुआ करते थे, कौन, नंदलाल बोस, मास्टर मोसाई। आगे देखेंगे साथियों, सुधीर रंजन खास्तगीर किस विचारधारा से जुड़े थे, सुधीर रंजन खास्तगीर किस विचारधारा से जुड़े थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, साम्यवाद, या इनमें से कोई नहीं। सुधीर रंजन खास्तगीर किस विचारधारा से जुड़े हुए थे, सुधीर रंजन खास्तगीर किस विचारधारा से जुड़े हुए थे, कई लोग आंसर ठीक नहीं कर रहे, अधिकतर लोग गलत आंसर कर रहे हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर की जो विचारधारा है वो ब्रह्म समाज से प्रेरित थी, किससे, ब्रह्म समाज से प्रेरित थी, वो ब्रह्म समाज के समर्थक थे। ब्रह्म समाज जिसका स्थापना किसने किया था, आप सभी को पता है किसने किया था, अरे नहीं सी नहीं होगा भाई साहब, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय के विचारों से जो है ये क्या थे, प्रेरित थे। राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज क्या था, एक तरीके से जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म में बुराइयां व्याप्त थीं उनको दूर करने का प्रयास था।
तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तार्किक आंदोलन था धार्मिक सुधार के लिए। इसीलिए सुधीर रंजन खास्तगीर शुरुआत में जब शांति निकेतन में पढ़ने जाते हैं तो ये ना तो देवी देवताओं का अध्ययन करते हैं, ना जो है उनके चित्रों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर नंदलाल बोस ने इनको समझाया कि जो विषय वस्तु आप चुन रहे हैं, जब तक उसके बारे में आपके मन में सकारात्मकता नहीं होगी, उसके बारे में आप अध्ययन नहीं करेंगे, तो आपके तुलिका में वो ज्ञान आएगा नहीं। और नंदलाल बोस की बातों को उन्होंने माना और उसके बाद में भारतीय दर्शन को, भारतीय धर्म जो धार्मिक व्यवस्था थी, सनातन व्यवस्था थी, उसको उन्होंने क्या किया, एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद से ही उनकी तुलिका में वो चीज़ें दिखने लगी, स्पष्ट होने लगी। तो शुरुआत में ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर के उन्होंने क्या किया, उन सारी चीज़ों को त्याग दिया था। बिल्कुल, सती प्रथा का विरोध किया उन्होंने। सती प्रथा एक कुप्रथा के रूप में हिंदू धर्म में प्रचलित था कि किसी के पति की अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी जो पत्नी है उसके साथ में उसका भी मरना तय है। तो इन सारी प्रथाओं का उन्होंने अंत किया और उसी ब्रह्म समाज से प्रेरित थे आपके सुधीर रंजन खास्तगीर। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, सुधीर रंजन खास्तगीर। FN सूजा जो है साम्यवाद से प्रभावित थे। सूजा जो है साम्यवाद से प्रभावित थे, बड़े क्रांतिकारी आदमी थे। सूजा जो है बड़े क्रांतिकारी आदमी थे और ये साम्यवाद से प्रभावित थे। चलिए आगे देखते हैं साथियों। सुधीर रंजन खास्तगीर के कला अध्यापक के तौर पर सर्वप्रथम, अच्छा ये नहीं होगा, ने होगा, सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला अध्यापक के तौर पर सर्वप्रथम कहाँ कार्य किया, दून स्कूल में, सिंधिया स्कूल में, लखनऊ आर्ट कॉलेज में या जे स्कूल ऑफ आर्ट में? सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला अध्यापक के तौर पर सर्वप्रथम कहाँ कार्य किया? सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला अध्यापक के तौर पर सर्वप्रथम कहाँ पर कार्य किया? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सिंधिया स्कूल में। तो उन्होंने सबसे पहले सिंधिया स्कूल में ही पढ़ाना प्रारंभ किया और सिंधिया स्कूल में इन्होंने 1933 से लेकर के 1936 एडी तक जो है अध्यापन का कार्य किया। 1933 से लेकर के 1936 एडी तक हुआ क्या कि 1929 में इन्होंने अपना पढ़ाई समाप्त किया। पढ़ाई समाप्त करने के बाद में इनको अवनी बाबू का आदेश मिला कि आप भारत भ्रमण करिए, अलग अलग कलाओं को देखिए। वो जब इन्होंने कर लिया तो आवश्यकता थी किसकी, मणिराम की, पैसे की आवश्यकता थी, क्योंकि ये जो पेट है ना ये कोई चीज नहीं सुनता, इसको चाहिए चाहिए खाना। तो सुधीर रंजन खास्तगीर जो है क्या तलाश करने लगे, रोजगार तलाश करने लगे। तो रोजगार के तलाश में वो कहां पर पहुंचे, मुंबई में पहुंच गए। कहां पर, मुंबई, माया नगरी मुंबई। मुंबई पहुंचे लेकिन काम कुछ मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ अपने पेंटिंग्स बनाने शुरू किए और उन पेंटिंग को बड़े बड़े आदमियों को बेचने का प्रयास किया। जैसे किसी बड़े आदमी के घर पर पहुंच गए, अपना 10 पेंटिंग दिखाया, सर ये हमारी पेंटिंग है, इस शैली में हमने बनाया है, इसमें ये भाव है, ये चीजें हैं। अब जो बड़ा आदमी है वो सिगरेट डूबा, अच्छा ठीक है रख दो रख दो, देखते हैं कल आइएगा तब बताएंगे। तो ये बात जमी नहीं सुधीर रंजन खास्तगीर को कि मैं अपना कला बनाऊं फिर उसको ले जाऊं बेचने के लिए, उससे अपना खर्चा चलाऊं, इस बात से वो खुश नहीं थे। इसी बीच में सिंधिया स्कूल ग्वालियर से, सिंधिया स्कूल ग्वालियर से उनको जो है एक इन्विटेशन मिला अध्यापक के पद का, जिसको उन्होंने साहस स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है यार, सम्मान से पैसा मिलेगा, चार पैसा कम मिलेगा लेकिन सम्मान से मिलेगा। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और 1933 में कला अध्यापक का उनका जो यात्रा है वो प्रारंभ हो गया। तो 1933 से लेकर के 1936 एडी तक वो सिंधिया स्कूल में क्या थे, अध्यापक थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, दून स्कूल
खुला, नया नया एकदम, दून स्कूल। दून स्कूल कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहानी के जैसे चीजें याद कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, एकदम कहानी जैसा। तो दून स्कूल खुला, और दून स्कूल जब खुला तो इन्होंने उसमें अपना इंटरेस्ट जताया और वहां पर ये पढ़ाने के लिए गए। तो 1936 से लेकर के 1955 तक, 1936 से लेकर के 1955 तक इन्होंने दून स्कूल में शिक्षण कार्य किया। 1936 से लेकर के 1955 तक इन्होंने दून स्कूल में शिक्षण कार्य किया, ठीक, बिल्कुल। तो इसके बाद में पहले सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, फिर दून स्कूल में इन्होंने 1936 से लेकर के 1955 तक काम किया। आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? हेलो, चलिए। तो 1936 से 1955 तक इन्होंने दून स्कूल में शिक्षण कार्य किया। उसके बाद में ये लखनऊ आर्ट कॉलेज में आ जाते हैं अध्यापक के तौर पर। कहाँ पर? लखनऊ आर्ट कॉलेज में। और लखनऊ आर्ट कॉलेज में इन्होंने 1956 से लेकर के 1962 तक सेवाएं दी। 1962 में ये क्या हुए? यहाँ से रिटायर हो गए। 1962 में यहाँ से रिटायर हो गए और प्रधानाचार्य के पद पर थे। किस पर? प्रधानाचार्य के पद पर थे। प्रधानाचार्य के पद पर ये थे, ठीक है ना। तो 1956 से लेकर के 1962 तक ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे और कई सारे कलाकारों को इन्होंने निखार दिया, जो शिखर तक पहुंच गए, ठीक है ना। कहते हैं ना कि अगर अच्छी संगति मिल जाए तो जिंदगी ही बदल जाती है। संगत से गुड़ आत है, संगत से गुड़ जाए, मांस का क्या भाव है, मीठक साथ बिकाए। जो मिठाई के साथ जो बांस की डंडी लगाई जाती है उसका क्या मोल है, लेकिन उसकी भी कीमत लग जाती है जब मीठा उसमें मिल जाता है। संगति का असर होता है, संगति गुड़ को बढ़ा देता है। जैसे कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं तो रील्स देखना शुरू कर देते हैं, भना भन रील देख रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। और कुछ लोग शुरुआत होती है सुबह तो किसी सर का क्लास देख लेते हैं, उससे ज्ञान हो जाता है। भले ही आपको सिलेबस ना पढ़ना हो, आप किसी भी टीचर को फॉलो करिए, कुछ अच्छी चीजें उससे सीखिए, उससे आपका जीवन बेहतर होगा, ठीक है ना। आवाज वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा मत कहिए। आज जो सुबह की पेड क्लास है उसमें भी आवाज की वजह से काफी डिस्टरबेंस हुआ है। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो,
ठीक है ना। देखिए अगर ठीक रहे तो आप लोग जो है बता दिया करिए। चलिए तो हम चर्चा कर रहे थे साथियों कि सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर जो है सिंधिया स्कूल में, फिर दून स्कूल में, फिर लखनऊ आर्ट कॉलेज में, और लखनऊ आर्ट कॉलेज से ही रिटायर हो गए थे। और इनके जीवन में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया 1960 में। कब? 1960 में, 1960 ईस्वी इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया। आप जानते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। अभी वर्तमान में गोमती नदी की हालात जो है ना, वो नाले जैसी एकदम हो गई है, बदबू आती है। थोड़ा बहुत काम तो उस पर हुआ है, लेकिन सरकारें दावा सिर्फ करती हैं, झूठ बोलती हैं। बदबू अभी भी करता है गोमती नदी, क्योंकि पूरे शहर का जो गंदा पानी है वो गोमती नदी में ही जाता है। 1960 में गोमती नदी में बाढ़ आ गया था, भयानक बाढ़। उस बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया सुधीर रंजन खास्तगीर का। उस बाढ़ की वजह से बहुत सारे चित्र नष्ट हो गए जो लखनऊ आर्ट कॉलेज में संग्रहित थे, और उसको ना बचा पाने का जो एक मलाल था सुधीर रंजन खास्तगीर को, वो उनका जीवन लेकर के ही माना। वो कभी खुश नहीं हुए, फिर कला से बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे और वो लखनऊ छोड़ करके चले गए। लखनऊ छोड़ करके वो चले गए कहाँ? कलकत्ता, और हमेशा के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि मैं अब यहां नहीं रहूंगा, और वहीं पर जाकर के, और साथ में वो इस तरीके से घिरे कि धीरे धीरे कर करके वो टूटने लगे, और 1974 में उनकी यात्रा जो है समाप्त हो गई, जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ठीक है, तो 1960 में उनके जीवन में एक बड़ी त्रासदी आई। और आपको बता दें साथियों कि 1964 के आसपास उनको एक बार न्योता मिला था शांति निकेतन का जो है वो बनने का, अध्यक्ष बनने का, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, बस हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सुधीर रंजन खासगीर ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहां पर लगाया? सुधीर रंजन खासगीर ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहां पर लगाई? लगाया नहीं होना चाहिए, लगाई, लगाई, ठीक है ना। इलाहाबाद में, लाहौर में, पटना में, शिमला में, बताइए आप लोग। सुधीर रंजन खासगीर ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहां पर लगाई? सुधीर रंजन खासगीर ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहां पर लगाई? सुधीर रंजन खासकीर ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहां पर लगाई? बिल्कुल, अधिकतर लोगों का आंसर सही है। तो सुधीर रंजन खासगीर ने अपने चित्रों की जो पहली एकल प्रदर्शनी है वो कहां पर लगाई थी? इलाहाबाद में 1937 में। 1937 में इलाहाबाद, और अकॉर्डिंग टू योगी जी, और ऑफिशियली अब इसको प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहली जो प्रदर्शनी लगी 1937 में प्रयागराज में लगी। इनकी जो दूसरी प्रदर्शनी लगी 1941 ईस्वी में, उन्नीस सौ इकतालीस ईस्वी में वो कहां पर लगा? लाहौर में लगा। और वर्तमान में लाहौर कहाँ है? पारेसान पाकिस्तान का हिस्सा है, कल पाकिस्तानी जीत गए। भुवनेश्वर कुमार का जो ओवर था ना, वही मैच हराया है, और वो अर्शदीप सिंह ने जो कैच छोड़ दिया, इतना चिंता हुआ हमको, क्या बताएं। थोड़ा टाइम निकाले थे कि देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, और मारे सब मठिया मेट कर दिए। बहुत अच्छा बॉलिंग आखिरी ओवर में किया अर्शदीप ने, लेकिन अब इतना कम रन बचाना था तो कैसे बचा पाता था। T20 का मैच होता है, भुवनेश्वर कुमार का ओवर बहुत बेकार गया था, 19वां ओवर, और कल हम लोग इसीलिए हार गए, ठीक है ना। फिर भी बदला लेंगे फाइनल में। पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, वो मैच सिर्फ नहीं होता है, वो दो देशों की भावनाओं की लड़ाई है। भुवनेश्वर
लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने 16वें ओवर में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, क्रिकेट जो है कोई भी खेल हो, हार जीत तो अलग चीज है, लेकिन मजा आया। चलिए, इसके अलावा इन्होंने जो है पटना में भी अपना एकल प्रदर्शनी लगाया था, और शिमला में भी इन्होंने 1946 में अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। कब? 1946 में शिमला में इन्होंने अपना प्रदर्शनी लगाया था, 1944 में इन्होंने पटना में प्रदर्शनी अपना लगाया था, 45 में इन्होंने जो है मसूरी में अपना प्रदर्शनी लगाया था, एकल प्रदर्शनी। तो सबसे पहले इनका जो है 1937 में इलाहाबाद या प्रयागराज में एकल प्रदर्शनी इनकी लगी थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। सुधीर रंजन खासगीर को पद्मश्री सम्मान कब मिला? सुधीर रंजन खासगीर को पद्मश्री सम्मान कब मिला? 1949, 1947, 1945, 1957। सुधीर रंजन खासगीर को सुधीर रंजन खासगीर को पद्मश्री सम्मान कब मिला? सुधीर रंजन खासगीर को पद्मश्री सम्मान कब मिला? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1957 में। कब? 1957 में। 1957 में सुधीर रंजन खासगीर को क्या मिला? पद्मश्री सम्मान मिला। और वो पहले व्यक्ति थे, पहले कलाकार व्यक्ति, वो पहले कलाकार थे जिनको पद्मश्री मिला था, वो पहले कलाकार थे जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1957 में खास्तगीर को पद्मश्री मिला था और वो पहले कलाकार थे जिनको पद्मश्री सम्मान दिया गया था, इसलिए यहां पर ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले कलाकार कौन है जिनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है। हाँ, पद्मश्री सम्मान पाने वाले भारत के पहले कलाकार कौन थे? सुधीर रंजन खास्तगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सुधीर रंजन खास्तगीर के पूर्वजों को हिंदू वैद्य की उपाधि दिया सुधीर रंजन खास्तगीर के पूर्वजों को हिंदू वैद्य की उपाधि दिया मुगलों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? तो सुधीर रंजन खास्तगीर के पूर्वजों को हिंदू वैद्य की उपाधि किसने दिया? खास्तगीर शब्द का मतलब होता है वैद्य। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल। तो मुगलों ने इनके पूर्वजों को जो है ये इस पदवी से नवाजा था कि ये वैद्य हैं, हिंदू वैद्य कहा था उन्हें, हिंदू वैद्य। हिंदू वैद्य कहा था किसने? मुगलों ने, खासगीर के पूर्वजों को। तो ऑप्शन यहां पर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मुगल। कौन सुधीर रंजन खासगीर का शिष्य नहीं है? कौन सुधीर रंजन खासगीर का शिष्य नहीं है? रणबीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार, मदन लाल नागर, सुधीर पटवर्धन? बताइए इनमें से कौन सुधीर रंजन खासगीर का शिष्य नहीं है? इनमें से कौन सुधीर रंजन खासगीर का शिष्य नहीं है?
ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों लोग जो हैं शिष्य हैं किसके, सुधीर रंजन खासकीर के, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार, मदन लाल नागर, ये सब शिष्य थे किसके, ये सब खासकीर के शिष्य थे। तो पटवर्धन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे लोग, बिल्कुल सुधीर पटवर्धन को छोड़ करके बाकी सभी लोग जो हैं सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य थे, सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य थे। आगे देखेंगे खासगीर के प्रमुख चित्र, अगर आप देखेंगे तो अमलतास पर कौए, बुक लबर, बुक लबर, दीपावली और गौतम चित्रावली, यंग डांसर, ये सब इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। इसके अलावा प्रमुख मूर्ति इनकी आप देखेंगे तो विंटर, माँ और शिशु, डॉक्टर आपदा स्वायल, इसके अलावा भिक्षुड़ी, माँ, और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा सरदार पटेल, इन सबका भी चित्र जो है इन्होंने मूर्ति इन्होंने बनाई थी, सरदार पटेल, इन लोगों की मूर्ति भी इन्होंने बनाई थी। चलिए तो इस प्रकार साथियों हमने सुधीर रंजन खासगीर की जो यात्रा थी उसको कंप्लीट कर लिया। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, रिवाइज कैसे करेंगे, 1907 ईस्वी में चिटगांव में इनका जन्म हुआ, चिटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई प्रारंभ किया, इन्होंने कला शिक्षा सबसे पहले कहाँ से ग्रहण किया, शांति निकेतन में 1925 में पढ़ने गए, 1929 तक वहाँ पर पढ़ाई किया। और सुधीर रंजन खासगीर पहले परा स्नातक थे कला के क्षेत्र में भारत के, ठीक है ना। इन्होंने शांति निकेतन में नंदलाल बोस से शिक्षा ग्रहण किया, अवनी बाबू भी इनके गुरु रहे हैं, ऑफिशियली गुरु कौन थे, नंदलाल बोस थे। 1929 में कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद में पूरे भारत का भ्रमण किया, अलग अलग जगहों पर इन्होंने चित्र और मूर्तियों का अवलोकन किया और उसको अपने चित्रों में प्रयोग करने का प्रयास किया। इसके बाद में 1933 में वो पहले कला अध्यापक के तौर पर सिंधिया स्कूल ग्वालियर में जाते हैं, 36 तक पढ़ाते हैं, 36 से लेकर के 55 तक कहाँ पढ़ाते हैं, दून स्कूल में पढ़ाते हैं, और उसके बाद में लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य बन जाते हैं और वहीं से रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। इनको पहला पद्मश्री मिला था, कला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले पहले व्यक्ति थे, 1957 में इनको प्रदर्शन ये जो पद्मश्री है वो प्राप्त हुआ था। इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जिनकी चर्चा हमने पहले ही कर दी है, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिनको आप सीधे सीधे याद कर लीजिए। तो साथियों आज जो है हम अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक ऑफर है जिसको आप लोग सुन लीजिए, जाने से पहले एक ऑफर है जिसको आप सुन लीजिए। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षा को बढ़ाने में जो भी योगदान जो कर सकता है उसको करना चाहिए। तो एक खुला ऑफर मैं आपको बता देता हूँ आज का, 100 रुपीज आपका हर चीज पर आपको मिलेगा आज, केवल 5 सितंबर को, आज यानी कि केवल 5 सितंबर को कोई भी चीज आप लेते हैं तो आपको 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा, चाहे वो पेड क्लास हो या नोट्स आप बुक करें या आप जो है टेस्ट ज्वाइन करते हैं या आप जो है प्रैक्टिस सेट लेते हैं, हर चीज में आपको आज 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। आज जो है 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा, लेकिन सनद रहे ये ऑफ केवल आज ही मिलेगा, आज के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो केवल आज ही मिलेगा, जिन लोगों को कुछ भी जो है अपना करना है तो ये उनके लिए एक स्पेशल छूट है, इसको वो ले सकते हैं। और कुछ भी क्लास जुड़ने के लिए, नोट्स लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए आपको बस फोन करना है 9616826446 पर। थ्योरी का एकदम नया बैच 5 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है, 5 सितंबर यानी कि आज से थ्योरी का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, 100 रुपये का इंस्टेंट ऑफर, जितने भी चीज़ें उपलब्ध हैं उन सब पर आपको मिलेगा, ठीक है ना साथियों। तो आज की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः 8 बजे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में और चर्चा करेंगे
किसी नए समकालीन कलाकार पर। तो एक बार फिर जाते जाते आप सबको हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में आप सभी लोग कला अध्यापक बन करके बच्चों को पढ़ाइए, कला सिखाइए और कला को उसके उच्चतम शिखर पर लेकर के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं। जय हिंद।